हेलो दोस्तों, एजेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे हम लोगों का जो आउटडोर का फैन मोटर होता है एसी का, उसको किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। देखिए, हम लोगों का आउटडोर मोटर से तीन वायर आता है, कोई भी मोटर होने दीजिए दोस्तों, उसमें तीन लाइन रहेगा, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग। तो दोस्तों देखिए, ये जो फैन मोटर का रनिंग स्टार्टिंग होता है वो कैपेसिटर में लगता है, और जो कॉमन होता है वो न्यूट्रल का साथ लगता है। ठीक है, तो यह में कैपेसिटर जो है दो प्रकार का होता है, एक अलग से कैपेसिटर दिया हुआ रहता है 4 mFd 3 mFd, और एक डुअल कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह में डायग्राम में देख सकते हैं कि RD और BL, यानी कि ये RD मतलब कि रेड और BL मतलब कि ब्लू। ठीक है, इसका बीच में देखिए एक काटा वाला साइन है, ये दो कैपेसिटर की है, और YL मतलब कि येलो देखिए अलग से है, ये इसका कॉमन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कैपेसिटर देख लेते हैं कैसा है। देखिए, ये 4 mFd का कैपेसिटर है, तो एक टर्मिनल में इसका रनिंग लग जाएगा, एक टर्मिनल में इसका स्टार्टिंग लग जाएगा। इस तरह से अलग से 4 mFd कैपेसिटर दिया हुआ है। तो देखिए, ये 3 mFd कैपेसिटर है, तो इसमें भी सेम है, एक टर्मिनल में इसका रनिंग लगाया तो दूसरा टर्मिनल में उसका स्टार्टिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 mFd का कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर होता है इस तरह से डुअल कैपेसिटर। ठीक है, तो डुअल कैपेसिटर में तीन साइड में तीन देखने को मिलेगा, एक साइड में इस तरह से फैन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फैन का रनिंग स्टार्टिंग ले करके आपका ये जो डुअल कैपेसिटर होएगा तो फैन का टर्मिनल में इस तरह से लगा देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से फैन का टर्मिनल में, ये दो टर्मिनल में आपको लगा देना है। देखिए, फैन का जगह में आपको लगा देना है। देखा है, देखिए ये जो रेड है और ब्लू है, ये डायग्राम में हम लोग देखा रेड है और ब्लू है, ये रनिंग स्टार्टिंग है, यानी कि एक कैपेसिटर की वायर है, और जो येलो वायर है ये अलग से नीचे से आया है डायग्राम में, तो ये इसका कॉमन वायर है, कॉमन वायर मतलब कि न्यूट्रल का साथ लगेगा।